हनुमान जी से एक गुण को सीखना चाहिए और क्या हनुमान जी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर एहा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस देहु लोक उजागर जय कपीस तेहु लोक उजागर ओ जय कपीस तेहु लोक उजागर। हनुमान जी में गुण ही गुण है। एक बात और, हम लोगों में भी गुण है पर एक दो, हम लोगों में ज्यादा गुण नहीं रहते हैं, एक या दो, सबके अंदर एक या दो गुण। कई लोगों के अंदर अगर सत्य होता है तो सील नहीं होता है, सील होता है तो सत्य नहीं होता है। तो हम लोगों के अंदर एक ही गुण रहते पर हनुमान जी तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी के अंदर तो गुण ही गुण भरे हैं, अवगुण कुछ है ही नहीं। ऐसे हनुमान जी के अगर चरणों को हम लोग पकड़ेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो हम लोगों के अंदर के अवगुण भी मिट जाएंगे। और फिर जय कपीस तेहु लोक उजागर। जय कपीस का मतलब बानरों के राजा। तो हनुमान जी बानरों के राजा कब बने? सुग्रीव जी थे नहीं? थे तो सुग्रीव जी, लेकिन जब रावण का वध हो गया राम राजा बन गए। तो राम जी ने सबको विदा किया, सब अपने अपने घर जाओ, विभीषण जी अंगद सुग्रीव सब घर जाओ। अब सब जाने लगे तो किसी ने कहा हनुमान जी को भी कहो। राम जी बोले इनका कोई घर ही नहीं है। अब जिनका घर हो उनसे कहो कि घर जाओ, इनका कोई घर ही नहीं है। लेकिन राम जी बोले हनुमान एक बात बोले, हाँ बोले हमने सबको कुछ ना कुछ दिया है, विभीषण को लंका का राजा, सुग्रीव को भी राजा बनाया, यहां तक कि हम भी राजा बने, लेकिन तुम्हें हमने कुछ नहीं दिया। हनुमान जी बोले सरकार हमको चाहिए भी कुछ नहीं, सब लोग तो सामान्य हैं, विभीषण को एक लोग का एक पद मिला, सुग्रीव को एक पद मिला, यहां तक कि आपको भी एक पद मिला। हनुमान जी से राम जी बोले तुम्हें क्या मिला? हनुमान जी ने राम जी के चरण पकड़ करके कहा हमें तो आपके दोनों परम पद प्राप्त हो गए हैं, अब इससे बड़ा हमें क्या चाहिए। इसीलिए रामायण में आया हनुमान सम नहीं बड़ भागी नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान के जैसा कौन बड़ भागी होगा? श्री हनुमान जी जैसा कौन बड़ भागी? कोई बड़ भागी नहीं है। क्यों? नहीं को राम चरण अनुरागी। सुग्रीव जी कहते हनुमान हम लोगों को तो केवल एक ही पद मिला, पर धन्य हो तुम्हें राम जी के दो दो पद चरण मिल गए हैं, तुम्हारे समान कोई बड़भागी नहीं है, इसलिए आज से तुम ही बानरों के राजा हो। इसलिए फिर गोस्वामी जी ने लिख दिया जय कपीस तेहु लोक उजागर। राजा सुग्रीव जी ने बनाया हनुमान जी को, और गोस्वामी जी ने दो जगह हनुमान जी को राजा का वर्णन करते हुए कहा वानरा राम धीसम, वानरों के राजा वानरा राम धीसम, एक जगह ये और दूसरी जगह जय कपीस तेहु लोक उजागर। आप आज से वानरों के राजा हो जाओ, तीनों लोकों में तुम्हारा उजागर हूं। एक बात बोले रिणिया राजा राम भय रिणिया राजा राम भय धनिक भय हनुमान। राम जी रिणिया है और हनुमान जी धनिक है। किसी ने राम जी से कहा कि तुमने सबको तो भगा दिया, हनुमान जी को नहीं जाने दिया। राम जी बोले सुना
जिससे कर्जा लिया जाता है उससे ऊंचे आवाज में बात नहीं की जाती। तो किसी ने कहा कि आपका हनुमान जी के ऊपर क्या कर्जा है? भरत भाई कपि से उरे न हम, कपि से उरे न कहा हम, हमारे ऊपर हनुमान जी का बड़ा उपकार है। न जाने क्या क्या हनुमान जी ने हमारे ऊपर पुरुषार्थ करके लाए, सजीवन लखन जी आए, लक्ष्मण जी को जीवित करवाया, जानकी जी की खबर लेकर आए, लंका को जलाया। इसलिए भरत भाई कपि से उरे न हम नाम। पर आज फिर ऋणिया राजा राम भय धनिक भई हनुमान। ऋणिया राजा राम है और धनवान कौन? धनवान हनुमान है। और हनुमान किसे कहते हैं? जो अपने मान को ठोकर मार दे उसी का नाम हनुमान हो जाता है, है? जो अपने मान और सम्मान को ठोकर मार दे उसी का नाम है हनुमान। तो जय कपीस तेहु लोक उजागर। गोस्वामी हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी कहते तेहु लोक उजागर। आपका तीनों लोकों में नाम है, तीन लोक में आपकी जय जयकार है। वो कौन कौन से लोक? आकाश, पाताल, पृथ्वी। अच्छा, इन तीनों लोकों में जय जयकार कैसे हुई हनुमान जी की? उत्तर सुनो, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ये तीनों लोकों में जय जयकार कैसे हुई? आकाश में हनुमान जी ने क्या किया? बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सुत्रास भयो जग को यह संकट काहु सो जात न टारो, देवन आन करी विनती तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन ना। आकाश में क्या किया हनुमान जी ने? आकाश में सूर को निगल लिया और फिर छोड़ दिया, तो हनुमान जी की हो गई जय जयकार, वीर बजरंग बली की। एक लोक तो निपट गया, अब पृथ्वी में दूसरा लोक। पृथ्वी में क्या किया? पृथ्वी में राम जी की, रघुनाथ जी की सेवा की, तो पृथ्वी पर भी हो गई जय जयकार। अब तीसरा पाताल में क्या किया? रावण की भुजा उखाड़। जय हो वीर हनुमान जी। रावण की भुजा उखाड़े, पाताल लोक में श्री हनुमान जी महाराज जब रावण राम और लक्ष्मण का हरण करके ले गया, तो हनुमान जी महाराज पाताल में गए और पंचमुखी हनुमान बन करके रावण की भुजा उखाड़े। बोलो गाओ गाओ गाओ। रावण की भुजा उखाड़े, 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 रावण की भुजा उखाड़े। श्री राम जय राम जय जय राम, अर्थ क्या बता रहे? जय कपीस तिहु लोक उजागर। तीनों लोकों में नाम उजागर कैसे हुआ?
आकाश में सूर्य को निगला, पृथ्वी पर राम जी की सेवा की और पाताल लोक में रावण का वध किया। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, जय कपि सहते हूँ लोक उजागर, लोक उजागर। एक अर्थ और है तिहु लोक उजागर का, एक अर्थ और सुनो, बहुत अच्छा अर्थ है। लक्ष्मण जी का संबंध है पाताल से, क्योंकि ये है शेषा अवतार। तो हनुमान जी ने लक्ष्मण जी की सेवा की तो पाताल को भी जीत लिया। बोलो जय जयकार। और माता जानकी जी का संबंध है पृथ्वी से, क्योंकि ये भूमि से प्रकट भई तो पृथ्वी में माता जानकी जी की सेवा करके इनको भी अपनी मां बना लिया तो पृथ्वी में भी जय जयकार हो गई। और राम जी का संबंध है ऊपर से, क्योंकि भगवान होते हैं ऊपर, इसलिए हम लोग होते हैं भू पर। भगवान होते हैं ऊपर, इसलिए हम लोग होते हैं भू पर। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा, जय कपि सहते हूँ लोक उजागर, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय कपि सहते हूँ लोक उजागर, जय कपि सहते हूँ लोक उजागर, तो लो ये पूरी चौपाई कंप्लीट हो गई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और जय कपीस तेहू लोक। अब आपको समझ में आ गई ये चौपाई। और इसी चौपाई के कारण हनुमान जी की तीनों लोकों में नहीं, इसी कारण से हमारा तो मानना है चारों युग परिताप तुम्हारा, हनुमान जी का तीनों लोकों में। और युग कितने होते हैं? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, कितने? चार। और इन चार में एक ही देवता है जो हनुमान जी हैं, वही लगाएंगे बेड़ा पार।